कार्ट आपको ले जाएगी मस्जिद कुबा तक और बताएंगे आपको ज़्यादा रियाल यानी कि 35-30 रियाल कहेंगे, लेकिन आप उनसे बार्गेनिंग करें तो आपको 20-15 रियाल में आराम से मस्जिद कुबा ले जाएंगे। इसमें आसानी ये है कि अगर आपके साथ कोई पेशेंट्स होते हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते, तो वो ये सुन्नत वाला रास्ता देख भी देंगे और साथ ही साथ में इसकी वजह से उनको चलना भी नहीं पड़ेगा तो प्रॉब्लम भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम सबिया का। मालूम इस करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो है जी मस्जिद कुबा का वो रास्ता जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि हमारे प्यारे आका उस रास्ते से पैदल जाया करते थे। हम कोशिश करेंगे कि उस रास्ते से पैदल जाएँ और पैदल मस्जिद कुबा तक का रास्ता आपको ज़रूर दिखाएँ। वैसे मेरे साथ अम्मी भी हैं तो हो सकता है कि हमें बीच में कार्ट चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, वो शायद करना पड़ जाए, लेकिन इसका रास्ता कहाँ से है, ये कितनी दूर है और किस तरह हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर मस्ट कर दीजिएगा एंड साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि लोकेशन कहाँ है। ये देखें जी, मेरे बैग पे है मस्जिद नबी। मस्जिद नबी के 309 गेट पर आएंगे आप, यानी कि अंदर का जो है वो 6 नंबर होगा, बाहर का 309 गेट है और आपके जो राइट हैंड पर होगी वो होगी जी मस्जिद गमामा। आप मस्जिद गमामा और मस्जिद नबी के साथ जो रोड जा रहा है और यहाँ पर ये जो ऑफिशियल टूर बस चलती है वो भी यहाँ पर है, उसका 3 नंबर स्टैंड है। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, आप मस्जिद नबी के इस तरफ से गेट से निकलेंगे, ये 309 गेट है, यहाँ से 309 से आप जब निकलेंगे आपको अपने उल्टे हाथ पे मस्जिद नबी होगी, आपके सीधे हाथ पर जो होगी वो होगी मस्जिद गमामा। इसी तरह आप इस रोड से आ जाएंगे जी सीधा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये है 3 नंबर का बस स्टॉप और इस 3 नंबर के बस स्टॉप से आप सीधा जाएंगे, वहाँ कॉर्नर पर एक होटल है जिसका नाम है जवार तैबा। जवार तैबा के बाद वाला जो सीधी स्ट्रेट गली है वो सीधी जो है वो मस्जिद कुबा जाएगी, ना लेफ्ट ना राइट ना कुछ, बस स्ट्रेट आपने चलते रहना है मस्जिद कुबा तक। हम भी कोशिश करेंगे कि चल कर जाएँ, नहीं तो अगर अम्मी की तबीयत कुछ 19-20 होती है, यानी कि ऊंच नीच होती है कुछ, तो हम कर लेंगे जी कार्ट, रिक्शा, साइकिल, कुछ बग्घी टाइप है मैंने देखी थी, तो हम वो करेंगे। चलें जी इस रास्ते पर चलते हैं और आपसे ये वीडियो शेयर करते हैं, स्किप किए बगैर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अब जी आ जाएंगे आप इस रोड से यूं सीधा और सीधे के बाद ये है यहाँ पे जवार तैबा, ये जी होगा जवार तैबा। इससे आप यूं सीधा आएंगे तो यहाँ पर जो ये रास्ता है ये जाएगा मस्जिद कुबा, यानी कि ये इस तरफ से और यहाँ पर आपको कार्ड्स मिल जाएंगी, इस वक्त तो नहीं है। इस तरह देखिए, इस तरह की भी है, 2 सीटर भी है, 3 सीटर भी है और 6 सीटर भी है, मतलब ये देखें जी ये आ गई 6, बल्कि 8 सीटर है। इस तरह की कार्ड्स आपको मिल जाएंगी और यहाँ से जब आप लेफ्ट पर जाएंगे तो वो रही सामने जी मस्जिद बिलाल। ये रास्ता जा रहा है यहाँ पे ज़्यादातर गोल्ड की शॉप से, ये रास्ता भी जा रहा है, हम यहाँ से चलते हैं पैदल। यहाँ पे जी हम जब सीधा आए हैं तो सबसे पहले एक आ गया है बकाला, बकालतुल मदीना, और साथ में एक है वाजा कुबा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के हम रेट्स पूछते हैं और कितने की नाम के साथ 10 रियाल। कपड़ा क्या करें आप? ये खरबान हल्ले वाले यार, तौबा तौबा खरबान आ सही। ऐसे ही है ना, हैंडशेक करो।
तकरीबन ये सब शॉप सेम तरह की और सेम ही डिज़ाइन है। ये है जी अबाए की शॉप। यहाँ पे है काफ़ी सारी शॉप्स, इस पर है जाए नमाज टोपी। ये तो काफ़ी बड़ी शॉप लग रही है। ये कुरान भी होते हैं, इसके ऊपर भी आप नाम इम्बोज करवा सकते हैं। ये इस तरह का पूरा जो है वो बना हुआ है एक पैकेट, या आप किसी को हदिया कर सकते हैं। और पेन है, इस पर भी नाम लिखवा सकते हैं। इस तरह की चेन्स भी होती हैं। ये मुश्क है, ये इतनी खूबसूरत सी सूरह कहफ और सूरह बकरा, इस तरह सूरह रहमान सब है। और इसको भी आप इम्बोज करवा सकते हैं। टॉयज़ हैं, बैग हैं, इस तरह का बैग पैक भी आप अपना नेम के साथ इम्बोज करवा सकते हैं। इतनी खूबसूरत सी ये बॉटल है। इस पर भी आई थिंक सो आप नेम प्रिंट करवा सकते हैं। आप इस तरह पैक्ड बनवा कर किसी को लेकर गिफ्ट दे सकते हैं। और साथ में ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत से ग्लासेस हैं, इस पर भी आप नाम इम्पोज करवा सकते हैं। ये पूरा गिफ्ट बैग बन जाएगा। इसके में कुरान है, चाहे नमाज है, तस्बीह है, एक ही थीम रखवा सकते हैं आप। हम थे जी इस शॉप पर, अब है जी ये भी उसी तरह की सेम शॉप है। वही हर चीज़ पे नाम आप इम्पोज करवा सकते हैं और उसी तरह के गिफ्ट आइटम्स मिल रहे हैं। यहाँ पर है अबाए की शॉप्स। ये मर्दाना कपड़ों की शॉप लग रही है, टी शर्ट पैंट। और ये भी सेम उसी तरह है, हिदायल मदीना। क्योंकि लोग गिफ्ट देने के लिए इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ से परचेज़ करते हैं। और जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं और उनका नाम लिखा हुआ होता है तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके की शॉप आपको आगे पीछे हर जगह यहाँ पर दिखेगी, जहाँ पे आप नेम प्रिंट करवा सकते हैं, इम्बोज करवा सकते हैं। और ये पूरी गली मुझे लगता है ज़्यादातर ऐसी ही शॉप्स होंगी। हाउ मच कलर अवेलेबल? कितने का? 140। इसके अंदर ये अलग से है और ये अपर अलग से है। ये ऐसे नहीं अलग से है, ये जस्ट सिला हुआ साथ है। लेकिन ये जब आप पहनेंगे तो ऐसे लगेगा कि अंदर आपने दूसरा पहना हुआ है एंड अपर जो है वो दूसरा है। अच्छा लग रहा है ब्लैक ब्लैक। और इसकी इस तरह की स्लीव्स हैं, पैटर्न इस तरह का है। और काफ़ी सारे ब्लैक पे ब्लैक ही हैं। कुछ पे जो है वो छोटी छोटी सी काम हुए हैं, जैसे कि ये लाइट से लग है। ये बिल्कुल डिसेंट सा है, जस्ट इसकी जो है वो स्लीव्स इस तरह की बनी हुई हैं और बिल्कुल सादा है, अच्छा लग रहा है। ये लाइटिंग की वजह से शायद ग्रेइश आ रहा है इसके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैक है, ग्रे नहीं है। ये है जी, ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत खूबसूरत सी इधर प्लेटें हैं। आगे से ये इस तरह जिप वाला है, आपने ये खोलना है। और इस तरह की ये स्लीव्स बने हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। इसका है जी इस तरह पिंक कलर। यहाँ पर ये इस तरह आप कपड़ा भी ख़रीद सकते हैं। ये भी अबाए की शॉप है। कितने का? 110 डिस्काउंट इंशाल्लाह। मोर डिस्काउंट।
ओके, यहाँ पे इस तरह के भी अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज बनाई भी होती हैं आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग, कि जिस तरह की क्वालिटी प्राइस बढ़ते रहेंगे अलग अलग क्वालिटी लगाई भी होती है। ये है जी 110 रियाल का, कुछ ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो गई है, और ये कितने का? 80 जी, 80 रियाल। काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल होती है, बस आपकी रेंज में जो बने ले लें। ये इस तरह के कलर में, और इसमें बहुत कलर अवेलेबल होंगे। और कितने का? सस्ता 10। अच्छा, ये है जी 2 कलर में, यानी कि आप इसको मरून कलर भी पहन सकते हैं और चाहे तो ब्लैक कलर भी पहन सकते हैं। कभी ग्रीन पहन लें, कभी ब्लैक पहन लें, और कभी ग्रे पहन लें, और कभी ब्लैक पहन लें। तो वाइट है, बल्कि ग्रे नहीं है, सॉरी वाइट है। इसको आप इस तरह भी पहन सकते हैं, उस तरह भी पहन सकते हैं। कितने का? ये बिफोर 180 रियाल, नाउ सॉरी 90 रियाल। यहाँ पे हर चीज लिखा है 2 रियाल, लेकिन सब चीजें 2 रियाल होती नहीं है। वाओ, ज़्यादा अच्छा जी। काफ़ी सारे परफ्यूम्स और इनके हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। ये सब अब ये स्मेल तो आप कर नहीं सकते, मैं ही कर लेती हूँ। और सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, 180, 140, और वो जो है वो रूम स्प्रे हैं 95 रियाल के, वो बखूर है, और ये इस तरह बखूर का आता है। ये शायद इन्होंने अपनी शॉप के लिए रखा हुआ है, नहीं सेल आउट भी हो रहे हैं बखूर का ये जो मशीन है क्या है, और साथ में ये मिलते भी है। ये है असामर लिल ऊद और ऊद अल समर, प्राइस यहाँ के हिसाब से अच्छे ही हैं, तो आप चाहे तो आकर ज़रूर ले सकते हैं। ये है यहाँ पर जी शर्मा, और ये है यहाँ पर हेल्दी जूस, नाम सामने लिखा है हेल्दी जूस, ऊपर कुछ डिलीशियस है और हेल्दी जूस है। और आई थिंक इनके प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, तशीको मंजो 15 रियाल, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारे हैंडबैग्स हैं, बहुत ही प्यारी स्लीपर्स हैं, और बहुत ही प्यारे शूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। फिफ्टी, ये है जी 50 रियाल के, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बच्चों के भी हैं और साथ में ये भी हैं, हैंड बैग्स भी हैं। ये 30 रियाल के हैं, स्पेशल ऑफर लगाई हुई है जी 30 रियाल में बैग ले लें। शूज़ कलेक्शन इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हर तरह के शूज़ यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, स्लीपर्स भी बहुत अच्छी हैं, इस तरह के हैंड बैग्स हैं। ये है पूरी इस तरह स्ट्रीट, और ये जाएगी सीधी मस्जिद कुबा। शुरू में ही हम उल्टे हाथ पे मुड़ जाते तो वो मस्जिद बिलाल जा रही थी, मैंने सोचा कि पहले हम मस्जिद कुबा तक का कवर करते हैं।
और ये भी अबाई की शॉप्स हैं, ये बच्चों के कपड़ों की शॉप्स हैं, आई थिंक बड़ों के भी हैं। कुल्ला शेर 15 रियाल। ये अबाएँ हैं, अबाएँ मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो मिल रही होती हैं, ये 30 रियाल में सब लिखा है, 30 रियाल ऑफर। ये है प्रेस्टीज, यहाँ पर वॉचेस भी हैं और साथ में परफ्यूम्स भी हैं, ग्लासेस भी हैं और साथ में ये वॉलेट्स भी हैं, कफलिंग्स भी हैं और साथ में ये खूबसूरत से वॉचेस भी हैं। ये है जी इस तरह के कपड़ों की शॉप, और ये इस तरह की एक मैक्सी टाइप है जो ऐसा लग रहा है कि आपने स्कर्ट पहना है। साइज 1, 2, 3, 4 अदर टू। कलर फोर कलर और कलर फोर कलर 1, 2, 3, 4 अवल 140 रियाल। कम आखिर आखिर से बस यही है जी सारी शॉप। और यहाँ पे है ये इस तरह के ऑटो है, बाकी ये क्या है इसके अंदर चलते हैं मस्जिद। चले जी, पाकिस्तान में तो कभी भी ऐसे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। पूरी ये मार्केट है, मैं पूरी मार्केट कवर करूँ तो आई थिंक पूरा दिन लग जाएगा। और तकरीबन हर शॉप जो है वो सेम ही है, तो फ़ायदा नहीं है कि एक 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 शॉप पर जाऊँ, तकरीबन सेम है। लेकिन यहाँ पे है ये सारी शॉप्स और ये इस तरह, ये है पूरा इस तरह। पाकिस्तान में तो इस तरह मोबाइल बाहर निकाल के हम बैठ नहीं सकते, कोई बाइक वाला लेकर चला जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह हम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये है कोई जूस, ये बाहर इस तरह बैठने का सिटिंग एरिया है। अच्छा जी, ये 15 रियाल में हो गई है और ये 15 रियाल में हमें छोड़ देंगे जी मस्जिद सुबह। ये देखिए जी, ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है और आगे से अपना मस्जिद सुबह का मीनार नज़र आने लगा है मुझे लग रहा है। ये पूरा रास्ता आप पैदल भी जा सकते हैं, हम सोच कर यही निकले थे कि ये पूरा रास्ता हम पैदल जाएंगे, लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा रास्ता है और अम्मी भी साथ है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और वैसे भी हरम में इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया था, लेकिन उसके बाद ये सोचा कि भाई अब ये रिक्शा साइकिल जो भी है ये कर लेते हैं और इसके अंदर जाते हैं। और मस्जिद कुबा जो है वो नज़र आने लगी है, ये इन्होंने रास्ता जो है बना दिया है, ये सुन्नत रसूल वाला रास्ता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु वसल्लम इस रास्ते से मस्जिद कुबा जाया करते थे। तो बड़ा अच्छा इन्होंने रास्ता बना दिया है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, सबके अलग है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि जिस तरह जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जो चल सकता हो, उसके लिए ये एक ऐसा रास्ता बना दिया कि आप इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। यानी कि ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई आप बोर हो जाएंगे या घबराते हुए जाएंगे कि बहुत सन्नाटा है, बड़ा खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, शॉप्स बनी हुई हैं, मॉल टाइप की कुछ चीज़ें आ गई हैं, खाने की चीज़ें, मतलब सब कुछ, पार्क है इतना खूबसूरत, तो आप मतलब अच्छे से इंजॉय करते हुए जा सकते हैं और पूरा सफ़र जो है वो पैदल तय कर सकते हैं। ये हमने काफ़ी सफ़र तय करने के बाद ये तो हमें 15 रियाल की पड़ी है। देखें ये इस तरह इन्होंने इसको कुबा स्क्वायर बोलते हैं, ये कुबा स्क्वायर बनाया हुआ है। Allah
نزل لهم الحين ثلاث حريم لي جي سامنے کا خوبصورت منظر دیکھیں مسجد قباء نظر آنے لگی ہے بہت ہی پیارا منظر ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ देखें जी यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर इस तरह का अब जो आएगी वो शायद फूड स्ट्रीट है यहाँ पर आपको जूसेस आपको कुछ डोनट और कुछ शवरमा टाइप चीज़ें मिल जाएंगी और ये इस तरह का बना हुआ है जी पार्क पूरी स्ट्रीट जब हम आ गए हैं और यहाँ पर इस तरह का ये पार्क है ये एक शॉप है योसो और हमारे यहाँ होती है जी मिनीसो उसी टाइप की कोई शॉप है ये और सेम चीज़ें भी जो हैं वो उसी तरह की लग रही हैं इवन पैकेजिंग भी जो है वो उसी तरह की है चलें जी अब आगे चलते हैं और मस्जिद कुबा चलते हैं इंशाल्लाह ये है जी मस्जिद कुबा ये है जी ऊद कॉर्नर ये वही है जो हम पीछे भी देख कर आए हैं यहाँ पर जायनमाज रग्स और गिफ्ट पैकेजिंग अबाए सब कुछ है जी तो हम पहुंच गए हैं मस्जिद कुबा फाइनली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अपने घर से वज़ू करे और दो नफिल आकर मस्जिद कुबा में अदा करेगा उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा माशाल्लाह जी अगर हम उम्रा अदा करते हैं तो हमें नहीं मालूम कि वो कबूल है नहीं है और किस तरह सवाब मिलेगा लेकिन माशाल्लाह जी मस्जिद कुबा में अगर आपने दो नफिल अदा कर लिए वज़ू करके आके तो हम अपने होटल से वज़ू करके आए थे चूँकि घर तो यहाँ है नहीं हम अपने होटल से वज़ू करके आए थे कि रास्ता तय कर लिया है पहुँच गए हैं मस्जिद कुबा यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि मस्जिद कुबा हमारे इस्लाम की पहली मस्जिद है और आप देखें कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह जी अब अंदर चलते हैं और दो नफिल अदा करते हैं ये है जी आगे यहाँ पे आप अपनी स्लीपर चप्पल जूते जो भी हैं वो उतार सकते हैं और वो है जी पूरा रास्ता जहाँ से हम आए हैं और ये है जी लेडीज सेक्शन ये जी है मस्जिद कुबा ये एक इस तरफ रास्ता बना हुआ है वैसे उस तरफ भी है लेडीज़ का सेक्शन वैसे तो हम ज़ियारत पर आए थे तो हमने नफिल अदा किए थे लेकिन हमने सोचा था कि हम पैदल आएंगे सुन्नत वाले रास्ते से लेकिन सबको मालूम है कि मेरी अम्मी की तबीयत ज़रा थोड़ी सी ऐसी रहती है तो उनके हिम्मत जवाब देके थे उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब इतना ज़्यादा नहीं चल पाऊँगी हमने भी कहा कि अभी और भी दिन हैं हमारे उम्रा के ट्रिप के तो ऐसा ना हो कि आगे के दिन ज़रा मुश्किल में गुजरें इस वजह से हमने वो आधे रास्ते से रिक्शा टाइप बग्घी जो भी थी वो कर ली थी कैसा लग रहा है मम्मा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हालांकि आज तो चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इरादा तो यही था कि पूरा सफ़र पैदल करेंगे लेकिन पाँच किलोमीटर है पाँच पहले होगा जो चल चुके होंगे हाँ, हुआ कुछ तो, यूँ कि हमारा जो गेट है वो है 26 सितंबर यानी कि बाहर का जो गेट है वो हमारा 339 पड़ता है यहाँ पे हमें 309 तक आना पड़ा तो होटल से तो हरम तक का डिस्टेंस इतना नहीं था लेकिन हरम
खुद इतना बड़ा है कि 309 तक आने में, फिर मस्जिद गमामा, फिर वहाँ तक, तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। कुछ रास्ता पैदल किया, फिर कुछ रास्ता पैदल करके हमने बग्गी ली और हम आ गए जी यहाँ पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी था जैसा हो गया अल्लाह ने करवा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, जितने कदम भी चले अल्लाह पाक उसका बेहतरीन सवाब नसीब करे। ना और परसों का दिन भी कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा गुजारे जा तो वगैरह भी तकलीफ है। चलें जी, तो ये थी मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक की वीडियो, और बीच में जो भी रास्ता था, जैसा भी था, सब मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे नफिल भी पढ़ लिए हैं और आप सबके लिए भी दुआ की है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार ये सफ़र खैर, सेहत, ईमान, तंदुरुस्ती के साथ नसीब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।